फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का उजाला बुटीक चैनल में हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं, ये हमारे पास बड़ी मशीन है जो कि अम्ब्रेला मशीन है। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारी मशीन नीचे की सिलाई ऊपर नहीं उठा रही है। नीचे अगर धागा जाता है तो नीचे फंस जाता है, नाल सटल होती है उसमें फंस जाता है और फिर कचड़ा फेंकने लगती है और बिल्कुल चलती ही नहीं है, नीचे का धागा बिल्कुल आता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से है और इसे कैसे ठीक करें? अगर आपकी मशीन में प्रॉब्लम है तो भी आप देखें, अगर नहीं प्रॉब्लम है फिर भी देखें, क्योंकि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा होता है कि अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप नहीं देखेंगे, लेकिन फिर आप ढूंढते रहेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम कैसे सही करें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, बात करें अच्छे से, एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देख लें, डिब्बी का धागा बिल्कुल सही है, एकदम ओके है। तो इसे हम इसमें डाल दें, डिब्बी में। तो इसे हमने डिब्बी में डाल दिया, उसके बाद अब हमें ऊपर वाला धागा डाल लेना है। बस आपको वीडियो वॉच करना है, बस और कुछ नहीं करना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अच्छा तो लगेगा, लेकिन लाइक करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी तो यही गुजारिश है, जो भी माताएं बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉन्टेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इस तरीके से इसे थोड़ा ढीला कर लें, ये काफ़ी टाइट है। तो थोड़ा ढीला कर लें, ये काफ़ी टाइट है, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट। इस तरीके से धागा खींचे तो आसानी से निकलता रहे। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसमें धागा डाल देना है, फिर आपको बताएंगे कि ये समस्या क्या है और कैसे सही करें। इस तरीके से हम करते हैं तो देख सकते हैं ये ऊपर धागा नहीं निकाल रही है, नीचे फंस जाता है। क्या वजह है भाई? हमारे पास स्टूडियो तो नहीं है, लेकिन बस आप लोगों की दुआ है, इसलिए सही सलामत चल रहा है मेरा चैनल। और ऐसे ही आप लोग बात करते रहेंगे तो किसी दिन आपके लिए स्टूडियो भी बनवाएंगे, ताकि आपके लिए वीडियो अच्छे से बना सकें। तो आप लोगों से गुजारिश है, लाइक ज़रूर कर दिया करें। इस तरीके से डिब्बी को इसी तरीके से लगाएं, जब तक कट की आवाज़ ना आए तब तक समझ लो आपकी डिब्बी सही से नहीं लगी है। तो दोबारा फिर हम चला के दिखाते हैं कि ये समस्या। इस तरीके से धागा नीचे जाएगा और ये धागा फंसेगी, और उसके बाद इस तरीके से बाहर निकल आता है, कभी कभी बाहर नहीं निकलेगा, फंस गया धागा। ये धागा इस तरीके से फंस जाता है, देख सकते हैं, फिर धागा ऊपर नहीं जाता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ की है और कैसे इसे ठीक करें? तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं सटल को, ये सटल में धागा फंस रहा है। तो चलिए हम सटल में देखते हैं, सटल में क्या समस्या है, क्या पता कहीं सटल में ही प्रॉब्लम हो और हम इधर उधर देख रहे हों। तो चलिए, सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। इसके लिए आपको पेचकस चाहिए, बड़ा पेचकस आपके पास होना चाहिए इस तरीके का। तो इस तरीके से खोल लें, हमने पहले भी खोला था इसलिए पेंच हमारे इसे रखते हैं। तो ये हमारी पटरी है, इसे निकाल लिया, इसे भी निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इस धागे को दोबारा फिर चला के देखते हैं, पास में थोड़ा करके देखेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से धागा नीचे जाता है मेरा, इस तरीके से जाता है और ये किसी में फंस जाता है, किसी में फंस रहा है, देख सकते हैं। चलिए दोबारा डिब्बी निकाल के देखते हैं, सभी धागा अच्छे से साफ करके दोबारा फिर देखते हैं। शायद है कि सारा धागा निकल गया है। तो चलिए डिब्बी इसमें डालें और अच्छे से दबाएं, क्योंकि ये डिब्बी सही से लग नहीं रही है। तो अभी इसमें डिब्बी नहीं लगी, इसलिए ये सही से नहीं चल रही है। तो चलिए चेक करके देखते हैं। पेंच का समारा ज़्यादा, ये मोटा पड़ रहा है ये वाला, तो थोड़ा इसे साइड से घिस लें तो शायद ये काम करने लगे, या फिर कोई दूसरा पेंच का देखते हैं। तो गाइस, ध्यान रखें, जो इसमें जो पेंच लगे हुए हैं इन्हें एक बार दोबारा चेक कर लें और कस लें सही से, क्योंकि क्या होता है कभी कभी पेंच ढीले हो जाते हैं और पेंचों में ही धागा फंसने लगता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती रहती है। अगर आपके हल्के भी पेंच टाइट हैं, वो ढीले हैं,
उन्हें टाइट ज़रूर कर लें, फिर चला के देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही। अगर नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम सीधी शटल में होती है, फिर शटल चेंज करनी पड़ेगी। इस तरीके से सभी पैंचों को अच्छे से टाइट कर लें। उम्मीद है कि आपको वीडियो क्वालिटी सही मिल रही होगी, आपके सही से समझ में आ रहा। दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है, शटल हमारी कट जाती है तब ये फंसाने लगती है धागा। अब कटी थी कहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं आप सही। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये निशान। तो इस निशान जब ज़्यादा ओवर हो जाता है तब हमारी शटल कट जाती है, जो कटने से फिर क्या होता है, फिर धागा नीचे का ऊपर नहीं जाता, इसी में फंसने लगता है ऑलरेडी। तो ये प्रॉब्लम भी होती है, इसी वजह से हमारी मशीन नीचे की सिलाई ऊपर नहीं ले जाती है। देख सकते हैं ये जगह जगह पे ये कटा हुआ है। अगर हमारे पास रेगमाल है तो रेगमाल से हम इसकी सफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेगमाल ले लें जी, हमारे पास रेगमाल है तो इससे हम थोड़ा सफाई कर लें यहाँ पर, जो कि धागा हमारा यहाँ पे ना फंसे। इसी की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है और धागा यहाँ पर रुकने लगता है और फिर नीचे का धागा ऊपर नहीं जाता है। तो ये यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा कट चुकी है ये। इस तरीके से कुछ कर लें रेगमाल से तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप शटल चेंज कराएं, जो कि 300 के समथिंग मिल जाती है। अगर शटल चेंज करना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करें, आपको शटल चेंज करना भी हम बताएंगे। नया रेगमाल ले लें ताकि अच्छे से साफ हो जाए। इस तरीके से खरांच को निकाल दें, देख सकते हैं ये खरांचें पड़ी हुई हैं, इसी की वजह से हमारी ये धागा ऊपर नहीं उठा रही है मशीन। तो चलिए हम चेक करके देखेंगे, उसके बाद सही है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर एक ही प्रॉब्लम है, इसकी शटल चेंज करना। तो चलिए धागा भी लगा तो तेल लगा लेते हैं इसमें थोड़ा। ध्यान रखें इसमें ऑयल लगाएं, ज़्यादातर आप नारियल तेल यूज करें। एक हमने ऑयल बनाया है तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। घर पर आप ऑयल बना सकते हैं। इसे निकाल के बाहर कर लें। अच्छे से ऑयल भर लें तो हमारी शटल सही से काम करने लगे। तो चलिए अब चेक करके देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम चेक करके देखते हैं, धागा डाल लिया, दोबारा एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं हमारी मशीन सही हुई या नहीं हुई। उम्मीद है कि सही हो गई होगी, क्योंकि जो कट जहाँ पे थे वो हमने सही किए, शटल में आने की जो प्रॉब्लम थी वो हमने सही की है। अगर आपकी शटल भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम दे तो आपको इसी तरीके से सही करना है। रेगमाल ले लेना है, बस 2-4 रुपये का रेगमाल, और इससे आपकी मशीन अच्छे से काम करने लगेगी, मतलब काम चल जाएगा। अब महीने 2 महीने का काम चलेगा, उसके बाद आपको शटल तो डलाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं कि हमारी मशीन अब काम कर रही है ना नहीं कर रही है। इस तरीके से धागा निकल के बाहर आ गया, देख सकते हैं एक ही बार में धागा हमारा निकल के बाहर आ गया है। तो अब हम चलाएँगे, उम्मीद है कि हमारी मशीन सही भी चलेगी। चलिए यहाँ पर चला के देखते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी मशीन भी प्रॉब्लम दे रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं पहले से काफ़ी बेटर है और अच्छी भी चल रही है। अब ये अच्छे से काम करेगी, जब आगे प्रॉब्लम होगी तो फिर रेगमाल से घिस लेंगे। देख सकते हैं
सिलाई एकदम परफेक्ट देने लगी है, एकदम बढ़िया देने लगी है। तो गाइस आप लोगों से बस एक ही गुजारिश रहती है, जो भी माताएं बहने भाई वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें, और आप कहाँ से हैं प्लीज़ हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।